हेलो फ्रेंड, मैं राजेश शुक्ला सोल्जर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, पिछले वीडियो में हम लोग लाइट में लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको ये बता दिया था कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। फिर उसमें हमने ये भी बता दिया था कि लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो 1/f इक्वल टू n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, या 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसके अलावा ये बात हो गई थी कि किसी उत्तल लेंस या किसी लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। आवर्धन क्षमता का मतलब ये होता बेटा कि किसी लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब की लंबाई क्या है और उस वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है I/O, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वो v और u के अनुपात के बराबर होता है। यानी आवर्धन क्षमता m = I/O = v/u। ठीक है, अब बात ये आई बेटा कि किसी लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करनी चाहिए थी। अब जरा देखा जाए कि किसी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उत्तल लेंस, याद करो आप लोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हम लोगों ने पढ़ा था। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता था वो वास्तविक भी बना, आभासी भी बना, छोटा भी बना, बड़ा भी बना, है ना। उत्तल लेंस से भी ऐसा ही प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा और बड़ा भी बन सकता है। आभासी भी बन सकता है अगर वस्तु कहाँ रखी जाए, उसके फोकस और लेंस के बीच में। ठीक है, और अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? अवतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो जो दर्पण में आपने पढ़ा था उसी तरह से उत्तल लेंस और अवतल लेंस में होता है, है ना। अब बात आगे चलती है कि किसी लेंस की प्रतिबिंब से बना। अब लेंस की क्षमता के बारे में भी चर्चा हुई थी। लेंस की क्षमता क्या होती है? P = 1/f, और किसमें? ये मीटर में। P = 1/f मीटर में। अगर फोकस दूरी है तो P = 1/f होगी, और इसके से हम इस मात्रक को हम क्या कहते हैं? डायोप्टर। डायोप्टर इसका मात्रक होता है, है ना। डायोप्टर में उत्तल लेंस के लिए +d, अवतल लेंस के लिए -d। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। अब आती है बात कि अगर किसी लेंस के पास कोई दूसरा लेंस रखा हुआ हो, कोई दूसरा लेंस एक लेंस के संपर्क में एक दूसरा लेंस रख दिया जाए, तो इस लेंस को रखने से इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यानी कंबाइंड लेंस जो बनेगा इससे रिजल्टेंट, उसकी फोकस दूरी अगर f हो तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 हो गया। क्षमता क्या होगी? संयुक्त लेंस की क्षमता P है, तो यहां मिलेगा P1 + P2। P = P1 + P2 हो गया। अब बात आती है कि मान लीजिए कि किसी लेंस की फोकस दूरी की बात हो रही है, एक उत्तल लेंस है और साथ में यहां पर एक दूसरा अवतल लेंस रख दिया गया, एक की फोकस दूरी F1 है, एक की फोकस दूरी F2 है, है ना। तो कौन से लेंस का प्रभाव पड़ेगा? तो मान लीजिए पहले लेंस की क्षमता +5d है और दूसरे की क्षमता -2d है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? 5d + -2d, यानी कितना मिला? 3d। और किस में मिला? प्लस में मिला।
इसका मतलब संयुक्त लेंस किस तरह से कार्य करेगा, संयुक्त लेंस उस लेंस की तरह कार्य करेगा जिस लेंस की क्षमता ज्यादा है। 5D ज्यादा है कि -2? भाई 5D ज्यादा है तो इसका मतलब है कि दोनों लेंस मिल करके जो नया लेंस बनाएंगे उस लेंस की क्षमता +3D होगी। +3D का मतलब है कि ये कैसा लेंस होगा, ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो जिस लेंस की क्षमता ज्यादा होगी उसके तरह से संयुक्त लेंस कार्य करेगा। अब फोकस दूरी में आ जाओ, तो क्षमता जिसकी ज्यादा है, क्षमता P=1/F होता है, क्षमता ज्यादा है इसका मतलब फोकस दूरी कम होगी, यानी दोनों लेंसों में से जिसकी फोकस दूरी कम होगी संयुक्त लेंस उसके जैसा व्यवहार करेगा। फोकस दूरी जिसकी कम होगी उसके जैसा व्यवहार करेगा, या जिसकी क्षमता ज्यादा है उसके जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो दो लेंसों का संयुक्त प्रभाव भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे चलते हैं कि अगर हम किसी लेंस की अभिसारी और अपसारी गुणों की बात करें, अभिसारी और अपसारी गुणों की बात करें, तो उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस अभिसारी, अभी का मतलब होता है झुकाव, अभिसारी यानी इस लेंस से बाहर निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की ओर झुक जाती हैं, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। जरा देखा जाए, अगर ये उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही हैं, तो ये आ करके अपवर्तन के पश्चात यहाँ मिलेंगी, एक बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं, इसीलिए इस लेंस को हम अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर संकेंद्रित करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, क्यों करता है, क्यों एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें इकट्ठा हो रही हैं, इसके बारे में जरा सोचो। तो बेटा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े एक प्रिज्म के बारे में, तो अगर प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण चल रही है तो प्रिज्म से बाहर निकलते समय वो आधार की ओर झुक जाती है। आधार की ओर झुक जाती है इसका मतलब ये कि ये जो लेंस है यह भी छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना है। अगर किसी लेंस के बारे में देखा जाए, उत्तल लेंस के बारे में, और इसको छोटे छोटे प्रिज्मों में बांट दिया जाए, छोटे छोटे प्रिज्मों में बांट दिया जाए, और अब जरा देखा जाए कि अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ पड़ेगी तो प्रिज्म से बाहर निकलते समय आधार ये है तो किधर झुकेगी, नीचे की ओर, और यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो आधार इसका किधर है, ऊपर, तो इधर झुकेगी। इसका मतलब हुआ कि आधे लेंस के प्रिज्मों का आधार ऊपर की ओर और आधे लेंस के प्रिज्मों के आधार नीचे की ओर होंगे, इसीलिए प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की ओर झुकती जाती हैं और एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाती है। यही है उत्तल लेंस का अभिसारी गुण। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस होता है, यह प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, एक बिंदु पर संकेंद्रित करता है। उसका कारण है कि लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बने होते हैं, और प्रिज्मों से प्रकाश की किरण जब अपवर्तन बाहर निकलती है तो वो आधार की ओर झुकती है। इनकी संरचना ऐसी है कि आधे लेंस का आधार नीचे की ओर और आधे लेंस का आधार ऊपर की ओर, इसीलिए प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही है। ये अभिसारी गुण है, कन्वर्जिंग। उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। अब आते हैं अवतल लेंस।
अवतल लेंस की खासियत ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण इस लेंस पर आपतित हो रही है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर हटती है, तो दूर हटती है यानी इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये आ रही। इसका मतलब ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम कर रहा है, यानी प्रकाश की किरणें इसमें फैल जाती हैं, दूर हट रही हैं मुख्य अक्ष से दूर। क्या कारण है? अवतल लेंस भी छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना है और इसमें जो प्रिज्मों के आधार हैं उनके बारे में देखो, आधार ऊपर की ओर है तो प्रकाश किरण यहाँ आएगी, आधार की ओर झुकेगी इसका मतलब इधर जाएगी, इसका आधार नीचे की ओर है तो इधर आएगी, ये देखो, यानी ये प्रकाश की किरणों को दूर फैलाता है, इसीलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, है ना, डाइवर्जिंग लेंस है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं कि किसी लेंस से, लेंस के बारे में हम लोगों ने वो सब कुछ पढ़ लिया कि लेंस कितने प्रकार के हैं, किस पर निर्भर करता है और किस पर नहीं। तो बेटा आपसे जो पूछा जाता है वो कुछ चीज़ें आपके बारे में, देखे लेंस की बात क्या थी, लेंस क्या होता है, लेंस किसी पारदर्शी माध्यम कांच का बना हुआ एक दो वक्र पृष्ठों वाला या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ के बीच घिरा क्षेत्र होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कन्वर्जिंग लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हमने आपको बताया, लेंस की फोकस दूरी के बारे में बताया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि किसी लेंस के बाद जो हमारा अगला स्टेप चलता है वो हमारा क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म के बारे में हम देखते हैं कि प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा क्षेत्र होता है। इसमें ये आपका देखो ए बी और सी, बी सी आधार हो गया और ए जो है प्रिज्म का कोण कहलाता है, ए प्रिज्म का कोण, और ए बी और ए सी इसके वो दो समतल पृष्ठ हैं जिसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब प्रकाश की किरण इधर से आएगी तो इधर जाएगी या इधर से आएगी तो इधर जाएगी। ठीक है, अब जरा देखते हैं अगर इन पृष्ठों पर दो अभिलंब रेखाएं खींच दिया जाए तो देखो एक हो गया एम ई और दूसरा हो गया एन ई, हो गया ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री है ना, अभिलंब है। अब अगर कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो प्रिज्म का आपतित किरण ये होगा पी क्यू और अभिलंब ये है तो कोण क्या होगा आई, आपतन कोण आई। अब ये वायु है और ये कांच है तो प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी तो अभिलंब क्या ये सीधे चली जाएगी, सीधे जाएगी नहीं, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी और अभिलंब ये है तो इसका मतलब ये थोड़ा सा यूं जाएगी तो अपवर्तित हो जाएगी प्रकाश, ये आई है तो ये आपका क्या होगा आर, आपतन कोण और ये आपका अपवर्तन। ठीक है, इसका मतलब अगर ये पूरा आई है तो ये पूरा का पूरा आई होगा, ये आई होगा और ये आर है तो ये कितना बचा आई माइनस आर,
ऐसे ही यहां मानो अगर प्रकाश ये कांच से वायु में जाएगी तो अगर ये आर डैश है तो ये आधार की ओर झुक जाएगी यानी अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये हमारा क्या होगा आई डैश हो गया। आपतित किरण को आगे बढ़ाएं और अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाएं तो ये जो बाहर की ओर बनने वाला कोण है डेल, यही हमारा क्या कहलाता है विचलन कोण। विचलन कोण हमारा कहलाता है डेल, डेल्टा, ठीक। और ये प्रिज्म का कोण, तो इनके बीच जो संबंध आया कि प्रिज्म के अपवर्तनांक क्या होता है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और साइन ए बाई टू। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और साइन ए बाई टू। इसका मतलब ये हुआ कि स्नेल का नियम तो था कि साइन आई अपान साइन आर, और इसमें मिल रहा है एन इजकल टू साइन ए प्लस डेलियम बाई टू साइन ए बाई टू। इसका मतलब आई की जगह पर ए प्लस डेलियम बाई टू और आर की जगह पर ए बाई टू। इसका मतलब हुआ आई इजकल टू ए प्लस डेल एम बाई टू और R इज इक्वल टू ए बाई। क्लियर हो गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो गया। अब बेटा बात आती है कि प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है यन, वो किस बात पर निर्भर करता है, तो उसके आपतन कोण पर I पर, विचलन कोण पर निर्भर करता है n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन ए बाई टू है, ठीक। लेकिन अगर प्रिज्म बहुत पतला हो, प्रिज्म बहुत पतला हो यानी प्रिज्म का कोण बहुत छोटा हो, तो ऐसे में साइन i इज इक्वल टू i और साइन r इज इक्वल टू r होगा। साइन आई का मान आई होगा और साइन आर का मान आर होगा। तो इस स्थिति में एन इज इक्वल टू यहां आपको क्या मिलेगा साइन ए प्लस डेल एम बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई टू और साइन ए बाई टू इज इक्वल टू ए बाई टू, यानी एन इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई टू और अपॉन ए बाई टू हो गया। इसका मतलब हमको क्या मिला कि यहां पर हमको ये मिल गया कि इसको सॉल्व करते हैं तो एन इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम अपॉन ए, इसको इधर लाते हैं तो मिलेगा एन ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल, यानी डेल एम इज इक्वल टू एन ए माइनस ए और डेल एम इज इक्वल टू एन माइनस वन इन टू ए। सही है, मतलब अगर एक प्रिज्म है जिसका कोण ए है तो एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन ए बाई टू होगा। सही है, लेकिन अगर प्रिज्म बहुत पतला हो, प्रिज्म का कोण बहुत कम हो, तो उस समय ये फार्मूला इस टर्म में आएगा और वो होगा डेल एम इज इक्वल टू एन माइनस वन इन टू। क्या इसमें आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल आई है, नहीं है, एन माइनस वन इन टू ए है। इसका मतलब एक पतला प्रिज्म जो होता है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एक पतला प्रिज आपतन कोण पर निर्भर करता है कि नहीं, तो पता चला कि एक पतला प्रिज्म आपतन कोण आई पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन मोटे प्रिज्म की बात हुई तो यहां साइन ए प्लस डेल एम बाई टू मतलब साइन आई है यानी वो करेगा, लेकिन पतला प्रिज्म
नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो पतला प्रिज्म और मोटे प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र आपको मिल गया। अब आते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो उसमें आपतन कोण, अपवर्तन कोण, विचलन कोण के बीच क्या संबंध है और ये किस बात पर निर्भर करता है उसके बारे में देख लेते हैं। साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और साइन ए बाई। अब जरा देखो कि आपतन कोण और विचलन कोण में क्या संबंध है। आपतन कोण आई का मान बदलते जाएं, चेंज करते जाएं, तो ये विचलन कोण का मान भी बदलता जाएगा। तो आई के बढ़ाने पर, आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या आपतन कोण को डिक्रीज करने पर, घटाने पर विचलन कोण पे क्या फर्क पड़ेगा, या पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसके बारे में देखा जाए। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं आपतन कोण और इधर विचलन कोण पर ग्राफ बनाएं, तो आपतन कोण और विचलन कोण पर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो देखते हैं हमको ग्राफ ऐसा मिलता। इस ग्राफ का क्या मतलब कि देखो देखिए, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं और विचलन कोण का मान घट रहा है। एक विशेष कोण पर यहां पर विचलन सबसे मिनिमम होगा, एक विशेष कोण पर आपतन कोण का मान सबसे कम होगा, विचलन न्यूनतम होगा, और उसके बाद बढ़ाने पर फिर विचलन कोण का मान बढ़ता है। यानी आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान पहले तो घट रहा है और घटते घटते एक मिनिमम न्यूनतम मान तक पहुंचता है, न्यूनतम मान के बाद आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण का मान भी बढ़ रहा है। तो आई और विचलन कोण में संबंध समझ में आया। एक बात, जब विचलन कोण न्यूनतम होगा, मिनिमम कंडीशन में होगा, मिनिमम तो डेल का मतलब डेल एम, उस समय आई और आई डैश और आर डैश ये सब बराबर होंगे। आई का मान आई डैश के बराबर होगा, आर का मान आर डैश के बराबर होगा और डेल का मान डेल एम होगा। मिनिमम अल्पतम विचलन की स्थिति में आई आई डैश के बराबर होगा, आर आर डैश के बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर प्रिज्म से क्या फायदा है, क्या पढ़ना है इसमें, है ना। इसके बाद आता है बेटा मेन कि किसी प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तो क्या होता है। तो एक घटना घटती है जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है जरा उसके बारे में देखते हैं कि अगर किसी प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण जब बाहर निकलती है तो यह सात रंगों में टूट जाती। जब किसी प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण बाहर निकलती है, निर्गत होती है, तो ये अपने अव्ययी रंगों में टूट जाती है। सात रंग में सबसे नीचे वायलेट बैंगनी रंग और सबसे ऊपर लाल रंग मिलेगा, मध्यवर्ती रंग
पीले रंग का मिलेगा। हेलो, यानी जब किसी प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर निकलती है तो अपने अव्ययी रंगों में बिखर जाती है, टूट जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कितने रंग होते हैं? होते तो असंख्य रंग हैं, लेकिन हमको जो आभास होता है वो सात रंग हमको दिखाई देता है। सात रंगों का क्रम आप याद रखने के लिए विबग्योर का प्रयोग करते हैं, कोडवर्ड है ना। विबग्योर का मतलब सबसे नीचे बैंगनी रंग और सबसे ऊपर लाल रंग की प्रकाश की किरण मिलती है। क्यों ऐसा होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? तो याद रखो, जरा देखो विचलन कोण। जब हम देखते हैं कि बैंगनी रंग और लाल रंग में, बैंगनी के लिए विचलन कोण डेल वी और लाल रंग के लिए डेल आर, तो हम देखते हैं कि डेल वी का मान डेल आर से अधिक है। बैंगनी रंग का विचलन कोण लाल रंग के विचलन कोण से अधिक होता है। तो क्यों अधिक होता है? विचलन कोण का मान बैंगनी के लिए ज्यादा है और लाल रंग के लिए कम क्यों है? तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि भाई बैंगनी रंग के पदार्थ का जो विचलन कोण है वो n-1 into a होता है, और बैंगनी रंग की प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है nv greater than nr। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा, इसलिए विचलन कोण भी अधिक होगा। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक nv का मान लाल रंग के तुलना में अधिक होता है, इसलिए बैंगनी रंग का विचलन कोण अधिक होता है और वो ज्यादा विचलित होती है, इसीलिए वो प्रिज्म के आधार के करीब होती है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसलिए वो आधार में है सबसे ज्यादा दूर होती है। क्लियर हो रहा है? अब बताओ, प्रकाश का अपवर्तनांक अलग अलग प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग क्यों है? तो उसका कारण है कि अलग अलग रंग के प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है, जो हमने आपको प्रकाश के अपवर्तन में समझाया है। n = sin i / sin r, v1/v2। याद आ रहा है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उसके हिसाब से प्रकाश की चाल अलग होती है, इसलिए अपवर्तनांक अलग होता है। ठीक, अब बात आती है इनकी तरंग दैर्ध्य सीमा क्या होगी। तो बैंगनी रंग के लिए 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम, ये इनकी तरंग सीमा है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये सात रंगों की पट्टियां हमको दिखाई पड़ती हैं, जिसे हम प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। सात रंगों की पट्टियों को हम प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य प्रसार 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब है बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य 3900 या 4000, लाल रंग के लिए 7800 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य है लाल रंग के प्रकाश के लिए। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900। लाल की तरंग दैर्ध्य ज्यादा और बैंगनी की कम, यानी जैसे जैसे बैंगनी से लाल रंग की ओर बढ़ेंगे तो उसका तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, ध्यान रखिए। बैंगनी से लाल रंग के बीच जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो हमको दिखाई दे, दिख रहा है, आभास हो रहा है, यानी वो विजुअल है, दृश्य स्पेक्ट्रम है। ठीक, इसके अलावा बैंगनी के नीचे और लाल रंग के ऊपर भी
स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं पड़ता। बैंगनी रंग के नीचे जो होगा वो हमारा क्या होगा, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी तरंगे होंगी। और लाल रंग के ऊपर जो होगा वो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड होगा यानी अवरक्त। तो ये वाला पार्ट और ये पराबैंगनी और अवरक्त स्पेक्ट्रम का हिस्सा जो है वो हमको दिखता नहीं, उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं अदृश्य स्पेक्ट्रम, अदृश्य स्पेक्ट्रम, और इसको हम कहते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। पराबैंगनी के नीचे एक्सरे, गामा, इधर माइक्रोवेव, रेडियो तरंगें होंगी। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, रेडियो की। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंग की होती है, वो एक मीटर, दो मीटर, तीन मीटर तक होती। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, लेकिन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति सबसे कम। और आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है गामा की, गामा की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। और लाल की रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। अब बेटा आपसे पूछा जाएगा कि दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो लाल की, सबसे कम बैंगनी। लेकिन पूरे स्पेक्ट्रम में किसकी ज्यादा होगी, तो लाल रेडियो तरंगों की सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी, गामा की। ठीक, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में हमें सात रंग मिलते हैं जिसका क्रम बिबग्योर के नाम से कोडवर्ड जानते हो, तो बताओ सबसे मध्य में कौन सी प्रकाश की, किस रंग का स्पेक्ट्रम होगा। तो अगर आप संख्या के बेस पर देखोगे, सात में से तीन इधर बांट लो आंसर दे दो, तो आपका आंसर बेटा गलत आएगा, है ना। मध्यवर्ती किरण, बीच में जो प्रकाश की किरण है वो कौन सी रंग मानी गई है, ये पीले रंग की, पीले रंग की जो प्रकाश होगी वो मध्यवर्ती किरण मानी गई है, वो मध्य मानी गई है, है ना, संख्या के क्रम के आधार पे नहीं। मध्यवर्ती किरण पीले रंग की होगी, जब भी पूछा जाए मध्य रंग में कौन सा रंग होगा, तो पीला रंग होगा बताएंगे। किस आधार पर होगा, रेंज की मध्य में तरंग दैर्ध्य परास के कारण जो मध्य में पड़ेगा वो पीले रंग की प्रकाश। ठीक है बेटा, आज बेटा हमने आपको लेंस का कुछ पार्ट और प्रिज्म हमने आपका स्टार्ट किया, प्रकाश प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तक हो गया, विचलन कोण, अल्पतम विचलन, अपवर्तनांक, वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है, यहां हमने आपको बताया। अब बेटा अगले वीडियो में हम आपको इसमें कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है और वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है वो बताएंगे। उसके बाद फिर हम आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताएंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आवर्धन क्षमता क्या होगी, है ना। इसके बाद हम आपको मानव नेत्र बताएंगे, जिसमें आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, है ना, जरा दूरदर्शिता, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो बेटा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ओके, थैंक यू बेटा, अगले वीडियो मिलते हैं।